नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें पीटी कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट 2022 टू ईयर्स बीएड फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कितनी सीटें अभी भी खाली हैं, क्या अपवर्ड मोमेंट दोबारा से किया जा सकता है, क्या जो थर्ड लिस्ट में जो स्टूडेंट आए हैं, तो संपूर्ण डिटेल से हम सारी जानकारी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जो फोर ईयर्स की जो थर्ड लिस्ट है वो कब तक आने वाली है, क्या थर्ड लिस्ट फोर ईयर्स की आएगी या नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट, ये देख सकते हैं। यहाँ पे है फोर ईयर्स, ये है टू ईयर्स। फोर ईयर्स की थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, फोर ईयर्स की लास्ट राउंड काउंसलिंग दोस्तों हो चुकी है, यानी कि फोर ईयर्स की टू लिस्ट आ चुकी है, दो लिस्ट आ चुकी है, इसके बाद में कोई लिस्ट यहाँ पे नहीं आने वाली है। टू ईयर्स की हम बात करें, टू ईयर्स के लिए अभी लास्ट राउंड काउंसलिंग का अभी नोटिस नहीं आया, यानी कि अभी भी फोर्थ लिस्ट आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है, 95% से भी ज़्यादा चांस है कि फोर्थ लिस्ट आने वाले, क्योंकि अभी लास्ट राउंड काउंसलिंग का जो फोर्थ ईयर्स के लिए आया था, बट टू ईयर्स के लिए अभी भी यहाँ पे नहीं नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी कि फोर्थ लिस्ट आएगी और अपवर्ड भी आपका होने वाला है। थर्ड लिस्ट में जिसका भी नंबर आया वो कॉलेज चेंज करवाने के लिए अपवर्ड मोमेंट उनका होने वाला है, वो होगा आपका लगभग आपके जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं 24 तारीख के बाद में सबसे पहले रिपोर्टिंग अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन आएगा, और लगभग आपकी जो लिस्ट है वो 30 तारीख के आसपास आएगी, 30 या दिसंबर में भी आ सकता है, 1 से लेकर 5 दिसंबर के मध्य भी जारी हो सकती है फोर्थ लिस्ट। और थर्ड लिस्ट का जो अपवर्ड मोमेंट है वो 24 के बाद में, तो 26 या 27 जो भी है, 26-27 को भी अपवर्ड मोमेंट हो सकता है, उसके बाद में आपकी फोर्थ लिस्ट यहाँ पर जारी किया जा सकता है, फिर आपको जो एडमिशन है फीस है वो जमा करानी होगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 95% चांस है कि फोर्थ लिस्ट आने वाले। सीटें दोस्तों अभी भी लगभग 3 से 4 हज़ार सीटें यहाँ अभी भी खाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद में भी छोड़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कॉलेजों के अंदर, कई के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। ओके, और आपके जिसने भी यहाँ पे यदि आपने 22,000 रुपये जमा कराए तो 22,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 5,000 रुपये में से आपके कुछ कटेंगे रुपए 200 आसपास, यानी कि 4,800 रुपये के आसपास आपको वापस मिलने वाले। ध्यान रहे ना कि 22,000 रुपये जमा करा दे, समझो आपका एडमिशन हो चुका, फिर आपको वापस नहीं मिलने वाले, सिर्फ आपको 5,000 रुपये ही वापस आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी आपका जो वापस फीस है वो भी आपको जल्द जल्द मिलेगा ये कम्प्लीट प्रोसेस होने के बाद में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 24 तारीख तक आपको वेट करना, उसके बाद में पता लगेगा आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, पर मेरे हिसाब से 95% चांस है कि आपकी फोर्थ लिस्ट आने वाली है। अपवर्ड मोमेंट भी होगा यहाँ पे, फर्स्ट लिस्ट का, सेकंड लिस्ट का हो चुका है, थर्ड लिस्ट वालों का अपवर्ड मोमेंट होगा, फिर अपवर्ड मोमेंट और फोर्थ लिस्ट है वो दोनों एक साथ जारी की जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।